पौने 2 साल होया, गली इं पे सड़क है, पानी है, मच्छर है, कीड़े मकोड़े ने घरों बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ये देखो किन्ना तला पेदा सारा, अस तो डेंगू फैला, डेंगू नहीं फैला, क्या फैलना इतने, और इन्ना गंद पता कि चेयरमैन आखिया था, मैं इतना आया था, मैं दिखा खनी इतने आई उत्तर चले चेयरमैन कुर्सियां नहीं, कुर्सियां पैके घुमाने चेयरमैन नो इतने आने के देखा ना मौका आने की इसे बने का, इन्ना गंद पेदा इतने सारा, सब कीड़े पेदे इतने महाराज अहें 500 रुपये कट्ठा करके घर घर इतने मिट्टी पवाई ही, 700 रुपये कट्ठा करके मिट्टी पवाई ही, कोई साल हो गया ना, साल हो गया बिल्कुल आए महाराज, आंदे नहीं आने लड़ने के पौधे नहीं, पहले पिछले बुलाए हैं मेडिकल अहें तो वो दुख करा दी, अं सा बेइज्जती की है, अहें बेइज्जती नहीं करनी, क्या करना गलत हार पाने, अहें वोट पाए देना, अगर वोट पाए देना वोट लैन हाथ जोड़ आते इतना गल सारी गलत सुनने पानी उन्होंने बार मेम्बर के दर्शन देता नहीं कहते, उसी तो पता नहीं मैं इतों जीते मैं, वो आखिर घर बैठे जीते मैं अपने अपने वोट पाए देने मैं अपने, इधर कोई नहीं आता भी ये वोट लैन आए एक बार सिर्फ उस टाइम घर जगह तरले मारते हाथ जोड़ते, हूँ कोई नहीं आता इस टाइम भी, अस इे आखना चाहते हैं भाई साड़ी गली बननी चाहिए है, कोई 18-20 साल होया असें आए दे ते इये हालत दिखदे, छड़ा मच्छर ते डेंगू ते जे ते बो, असेंगी सारेंगी ना ना लोग पानी लंघी लंघी आंदे ना, असेंगी कोई विकास नहीं लब्भा इत्थै अजे तकर, कोई अपील करना चाहते हो प्रशासन अगे, प्रशासन अगे इये अपील करना चाहते हैं कि बनाओ गलियां, कदों बनानी है साड़ी गली, तो 18-20 साल होया बच्चे भी बेचारे कुदा बाहर निकलने दे, वो नहीं है भी, म्युनिसिपल कमेटी आदि असें बड़ी ज्यादा विकास कराई ओड़िया, बिछना च कोई जगह नहीं छड़ी जिथे विकास नहीं होया, केड़ा आदा उसी सामने आनो, जेड़ा आदा उसी साडे सामने आनो, साड़ी गली च लैनी खड़े रो, उसी पुछया अस के बनाया तू, असें इत्थे असें इत्थे इन्नी मुश्किल है कोई हिसाब नहीं, एक MLA बनिया हा वो आया साड़ी गली च, दिखो तुस थोड़े दिन ही थोड़ी गली च वो टैलां लगन, लाल टैलां लगी जाङन, इत्थै दूइयां टैलां लगी जाङन, इत्थै अजे तकर ओकड़ियां टैलां छोड़िया वो दूआ पलस्तर बन पिया, जेहड़ा वो जरा जरा गली चो लाई गेदे सीमेंट च वह भी सारा खराब होई गया, मतलब कि डेवलपमेंट जिहड़ी है वो नहीं होई, नहीं बा जरा नहीं होई, जित्थों दा अस आए दे साडे ग्रां च होई गेदी है बड़ी डिवेलपमेंट, इस वेले मौका दिखो आइए, मौका दिखो आइए, किन्ने दिन दा मौका दिखो, जिहड़ा इत्थे छप्पड़ खड़ोते दा केहड़ा चेयरमैन है उसी इत्थे लैणो, मैं गल करन ओहदे कन्नै, अस भी गली च सारे गल करनगे, इत्थे मौका दिखो आइए, तुसें अप्रोच स्कूटर नहीं निकलदा, मोटरसाइकिल साइकिल नहीं निकलदा बच्चों का, केहड़ा चेयरमैन है उसी सामने लैणो, इस समस्या तुसें कुसी कुसी लगभग दस्सिया होना, बड़े ही दसिया MLA वगैरह जो भी आए, किन्ने बारी मीडिया सामने बोली उड़िया, कमेटी आले किन्ने बारी बोली उड़िया, जेड़ा जेड़ा आता कि झूठ बोला दे ना उसी सामने लैनो, साड़ा सुकना नहीं पानी, रहा पानी खड़ोते रहा, पानी जंदा गै नहीं है, खत्म नहीं होंदा, पानी का निकास ही नहीं है, पूरी अगू मंडी को नाली बंद करी उड़ी दी ने, जेड़ा थोड़ा बहुत पानी जंदा वह भी अजकल बंद हो गया, सर बात ऐसे है जब बारिश होती है यहाँ इतना पानी रुकता है कि एक हफ्ते 2 हफ्ते तक पानी सूखता नहीं है, बच्चों के आने जाने के लिए और तो आने जाने के लिए चप्पल उतार कपड़े के मुँह करके जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो रही है, कमेटी वालों के पास कई दफ़ा हमने अप्रोच किया है लेकिन कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है, ना गाड़ी निकलती है, इधर से बारिश हो जाती है सभी लोग अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, बाहर कोई निकल पाता नहीं, ये समस्या आपकी कब से बनी हुई है, पहले भी समस्या थी लेकिन जब से मंडी का काम लगा है ना तब से ज़्यादा समस्या हो गई है, उन्होंने नाली बंद कर दिया, पानी का कोई भी आगे निकलने का जरिया कोई नहीं है, चेयरमैन साहब वार्ड नंबर 3 लोग मंडी के कोल पानी खलोने ते गली दी समस्या कोल बड़े परेशान हैं, उन्हें आखिया कई बार चेयरमैन साहब म्युनिसिपल कमेटी आने दस्सिया उसके बावजूद भी समस्या हल हुई, क्या आखना चाहते हो इस बारे, मैं तुसें दसा कि जी वार्ड नंबर 3 दी है, मैं तो इनकी लोगों की भी आखा कि इन्हें जान तो कोई समझ नहीं है भी तो जहाँ इन्हें कोई नॉलेज नहीं है काम कराने का, क्योंकि पिछले भी लगता कि 5-6 महीने पहले भी इन्हें कुछ लोग डेपोटेशन लिए आए कि साड़ी जी गली की बड़ी खस्ता हालत है, उसे पानी खलोते है, साढ़े उत्थे मैरिज है जे है, मैं उस वार्ड के जो वार्ड मैंबर है मैं खुद गया और मेरे कने जो अपने म्युनिसिपैलिटी का स्टाफ है खुद गया उत्थे जाइए, जो देखा कि वाकई उस गली की जी खस्ता हालत थी, लेकिन ये लोग आखन लगे कि सानू RBM के वगैरह सानू पाई दो या मलबा पाई दो ताकि अस जी सारी नंगने नुंगने जो रस्ता साफ हो जा, और साढ़े जेडे कन्ने मेरे कन्ने काउंसलर गए उस वार्ड के अपने सुरिंदर चिब जी बब्बी जी, उन्हें उस मौके आख्या कि जरा उस मौके जरा RBM वगैरह उस मौके गौरमेंट ने बैन किए था, उन्हें आख्या कि इस मौके जरा RBM वगैरह मलबा है वो नहीं मिल सकता है भी क्योंकि गौरमेंट ने बैन है, लेकिन ये लोग आखन लगे नहीं जी देखो जी फलानी जगह इन्ना ढेर लगेगा फलानी जगह इन्ना ढेर लगेगा, उसने आख्या कि मैं अपनी जेब चा पैसे दे दिना तुस RBM पवाई लो मैं पेमेंट कर देना, म्युनसिपैलिटी वाले करे असं आख्या कि लेकिन अस प्लान च लगे उसी टाइम लगेगा, जब पार्षद देने वार्ड मैंबर
इन्नी छोटी दिया करता कि जो अपनी जेब तक पैसे खर्ची है कि मैं जो मर्जी करा तो उस इस कोला अगर ये लोग उत्थे दस या पचास लोगों का मकान है अगर अपने मकान की उसकी काम कराई सकते हैं अपने मकान वास्ते इट बजरी मंगाई सकते हैं ते त्रे 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 छे छे महीने काम कराई सकते हैं क्या पचास लोग उस गली बच्चे रोवा दे क्या इन्ना अपनी अपनी सुविधा वास्ते इन्ना भी काम नहीं कर सकते क्या इन्हें की इन्ना नहीं है भी जब बाढ़ में बनाने आख्या मैं आखा फिर उसके बाद चलो फिर भी गल हुई उसके बाद फिर चलता रहा प्रोसैस चलता रहा लेकिन मैं तुसें दसा कि जेड़े भी बाढ़ का कोई कम है अगर कोई गली का कुछ भी आया साढ़ा एक जल्द भी साढ़े कोई प्लान आता है जो कमे की आती है साढ़े को डिपार्टमेंट मंगते हैं कि अपने अपने टाउन के गलियां दो अस जो कहने अपने वार्ड मैंबर जो कौंसल सारे की मीटिंग बुलाने उस बुलाइए करने कि तुम वार्ड मैंबर जो अपनी अपनी वार्ड की दसो कि तुम्हें गली प्लान च रखनी है उसके मुताबिक रखी जाती है क्योंकि स्टेटस उस गली का स्टेटस हूँ अस जो प्लान भेजे हूँ पिछले मेरा ख्याल शायद हफ्ता का होया कि अस जी अपने टी एस ए वगैरह करी दी जा हूँ मेरा ख्याल पांच सात दिन के अंदर अंदर उसका टेंडर भी लगने वाला हूँ भी मैं उतू अपने पंडित नारायण दत्त और भी फोन वगैरह करते हैं कि शायद एक दो दिन पहले नारायण हुंदे कोल भी गए उत्थे पुछ लगे वो गली साडा इहां मसला है वो गली का उस कुछ जल्दी कोला जल्दी सलूशन करो लेकिन अस हूँ जिंया प्लान साडा गया अज तीन चार दिन अस उस अपनी तरफा फाइनल करिए उसी भेजी दिते दा लेकिन वो जल्दी का जो कम लगने वाला लेकिन मैं आखा कि मैं इन जी लोगों की जी सोच है मैं आखा चलो मैं आखा कि अस आखने कि अगर साड़ी वार्ड बच्चे अगर कोई आखे जा मैं अगर एज ए चेयरमैन नहीं भी होता अगर मेरी जरूरत है कम की मैं पता कि इस रस्ता मेरे पास लंघना नहीं है भी अगर तुम मैं देंगे हो कि लो जी तुम मेरे मैं पेमेंट कर देंगे तो तुम कम कराई लो जी तुम मलबा पाई लो इस को बड़ी और गल होनी है इन्हें ज़्यादा दसना जी अभी होडिया लगी वो लगी गई पहले अपना आप देखो फिर अगर गल करनी चाहिए क्योंकि इस को बड़ी और देखो जमें तुम जो जिन्हें भी प्लान रखा देना गलियां रखा दें या कोई भी कम होंगे ना वो अस वार्ड मैंबर कन्ने बेहिया कंसर्न वार्ड मैंबर कन्ने बाकी रही गल के वोट नहीं देने वोट कौन देने कौन नहीं लैने वो जल्द मौका मौका करके लेकिन अस कदें भी वो नहीं दिखते हैं कि अस भी कुसा की गली छड़चै जां करचै अस चाहते हैं कि ज़्यादा कोला ज़्यादा डिवेलपमेंट होगा ज़्यादा कोला ज़्यादा गलियां बनाओ लेकिन इन्हें पहले मैं पूछा कि जिस मौके तुसें कोई जगह ले प्रॉपर्टी डीलर को क्या इतने प्लान से है ही क्या उस है ही जल्द तुसें कुसा प्रॉपर्टी डीलर की पूछा कि मैं अस जो पानी कुत्थे कड्ढना है साढ़े मकाने का पानी कुत्थे जाना है उस वे तुसें कोई कोई प्लान दिखाया तुसें अज तुसें गी अगर तकलीफ लगी हूँ अज उत्थे अपने वार्ड नंबर तीन का दिखो उत्थे खेतरे में जीजा अपनी जमीन च कलोनी कटवा कर दी है कल की वो भी दो महीने लोग आखन अज तो उत्थे मुंजी लगी दी है दो महीने बाद वो भी आखन आज जी साढ़ा इतने लंघना मुश्किल होई है जी साढ़े इतने खंभे नहीं हैन भी लेकिन पहले कोई भी जगह लैने कोला पहले या उसी मकान बनाने कोला पहले दिखो तुस उत्थे क्या उस उन्हें चीज़ें उत्थे सुविधा है या क्या उन्हें चीज़ें उत्थे बिजली पानी या ड्रेन का या पानी का सिस्टम कोई है या लेकिन आए मकान लिया उतो बनाया आनी दो महीने या छे महीने बाद साल बाद ले पे करने लेकिन पहले अपना दिखो कि तुस दुस मौके जगह लै दो उन्हें पहले तुम बरीब से करो उन्हें पुछो उन्हें लगता नहीं है कि ये विश्वनाथ का स्कूल है लग रहा है कि कोई वर्ल्ड लेवल का स्कूल है ख्वाबों के इस आशियाने में भरेंगे हम